गया हूँ। सामने जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो ना, इसी बिल्डिंग में जरीन खान अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जरीन खान को ना बॉलीवुड में सलमान खान लाए थे। दोस्तों वीडियो में हम आगे जानेंगे कि जरीन खान फिल्मों में आने से पहले क्या करती थी क्या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, वापस से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जरीना खान का घर दिखाने वाला हूँ। जरीना खान बॉलीवुड की काफ़ी जानी मानी अभिनेत्री इस टाइम की हैं। तो चलो आज की इस वीडियो में उनका घर दिखाता हूँ और उनकी घर की कीमत कितनी है, उनका नेटवर्क कितना है, उनके फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं ये भी बताऊँगा। तो पीछे है मेरे देख लो, इधर अभी कंगना रनावत और प्रणीति चोपड़ा घर, और इनके बगल में पार्क है, और यहाँ से मात्र 300 के वॉकिंग डिस्टेंस पे है उनका घर। तो चलो मैं चल के वहाँ पे दिखाता हूँ, और आप भी यहाँ पे कैसे आ सकते हो ये भी बताऊँगा। तो बस बने रहे आप लोग वीडियो के लास्ट तक। तो गाइस यहाँ से 300 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस पे है जरीना खान का घर। तो चलो उनके घर के पास चल के मैं उनका घर दिखाता हूँ, बस बने रहे आप लोग वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों देख सकते हो, फाइनली अभी मैं जरीन खान जी के घर के जस्ट सामने आ गया हूँ। सामने जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो ना, इसी बिल्डिंग में जरीन खान अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस बिल्डिंग के ना टॉप फ्लोर पे जरीन खान अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं। दोस्तों एक चीज़ और आप सभी को बता दूँ कि इस बिल्डिंग में ना जरीन खान का टोटल दो फ्लैट है, एक एकदम तो टॉप पे और दूसरा है टॉप से नीचे की तरफ चौथे माले पे। तो इनके टोटल दो फ्लैट है इस बिल्डिंग के अंदर। देखिए तो इस घर का नाम है सहाना इनक्लेव। दोस्तों आज की डेट में भला जरीन खान को कौन नहीं जानता होगा। हेट स्टोरी 3 में अपने अभिनय और अपने बोल्ड सीन के वजह से लोगों के अंदर अपना एक खास पहचान अभी के टाइम में बना ली है। फिलहाल देख सकते हो अभी मैं उन्हीं के घर के जस्ट सामने खड़ा हूँ। देख सकते हो गाइस यही सामने वाला जो बिल्डिंग आप सभी को दिखाई दे रहा ना, इसी बिल्डिंग में जरीन खान अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जरीन खान को ना बॉलीवुड में सलमान खान लाए थे। दोस्तों वीडियो में हम आगे जानेंगे कि जरीन खान फिल्मों में आने से पहले क्या करती थी क्या नहीं। फिलहाल अभी मैं जरीन खान के घर को थोड़ा फ्रंट से दिखा रहा हूँ। देख सकते हो फ्रंट से कुछ इस प्रकार से दिखता है इनका घर। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस बिल्डिंग में ना जरीन खान के टोटल दो फ्लैट है, एक तो टॉप फ्लोर पे और दूसरा टॉप से नीचे की तरफ चौथे माले पे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एकदम टॉप फ्लोर पे जरीन खान अपने बॉयफ्रेंड शिवाशीष मिश्रा के साथ रहती हैं, और नीचे चौथे फ्लोर पे इनके माता पिता और इनकी बहन रहती हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जरीन खान का जन्म एक पठान परिवार में 14 जुलाई 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। आप सभी को बता दूं कि जरीन खान हिंदी भाषा के अलावा उर्दू इंग्लिश मराठी बोलना भी जानती हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जरीन खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रिजवी कॉलेज ऑफ साइंस से पूरी की है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जरीन खान एक डॉक्टर बनने की चाहत रखती थी, वो कभी भी उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में जाने का नहीं सोचा था। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जरीन खान फिल्मों में आने से पहले एक मॉडल थी या मॉडलिंग किया करती थी। 2010 में सलमान खान ने इनको वीर मूवी में लाया था, तो उसी मूवी से इनको नाम और पहचान मिला। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक तरफ से बोला जाए तो टोटल श्रेय ना सलमान खान को जाता है इनको बॉलीवुड में लॉन्च करने का, क्योंकि सलमान खान ने इनको वीर मूवी में लाए थे, वहीं से इनको नाम और पहचान मिला। तो इनका एक तरफ से बोला जा सकता है फिल्मी करियर 2010 से उसी से स्टार्ट हुआ। बाकी देख सकते हो यही वो घर है जिसमें जरीन खान अपनी पूरी फैमिली के साथ और अपने बॉयफ्रेंड शिवाशीष मिश्रा के साथ रहती हैं। देख सकते हो काफी आलीशान बिल्डिंग है। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बोला था कि जरीन खान शुरू से ना ही कोई एक्टर और ना ही कोई किसी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन घर का हालात खराब होने की वजह से उन्हें कॉल सेंटर में जॉब करना पड़ा और अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी। कॉल सेंटर में जॉब करते करते इनका मोटापा काफी ज्यादा बढ़ गया, लगभग ये 100 kg की हो गई। 100 kg की होने के बाद से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा शरीर को लेके। उसके बाद से इन्होंने अपना शरीर पे ध्यान दिया और लगभग 100 kg से इन्होंने अपना वजन 55 kg तक कर लिया। फिर इन्होंने मॉडलिंग का सोचा, फिर धीरे धीरे इन्हें छोटे मोटी एड में काम करने का मौका मिलने लगा। फिर इनकी मुलाकात सलमान खान से फिल्म युवराज के सेट पे हुआ। वहां से सलमान खान ने अपनी आने वाली अगली मूवी वीर में इनको ले लिया, और वीर मूवी में दर्शकों ने इन्हें कुछ खास पसंद नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद से इनको लोग कटरीना कैफ का कार्बन कॉपी बोलने लगे। भले ही जरीन खान की पहली फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। दोबारा से फिर उनको एक फिल्म में मौका मिला सलमान खान की आई फिल्म में रेड्डी में आइटम सॉन्ग करने का।
था, उसमें उन्होंने आइटम सॉन्ग किया और उस आइटम सॉन्ग से इनको काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया। फिर इनको हाउसफुल 2 में काम करने का मौका मिला और हेट स्टोरी 3 में इनको काम करने का मौका मिला और यहाँ से इनकी करियर की गाड़ी चल पड़ी। फिर इन्होंने एक से एक बड़े मूवियों में काम किया और एक आज की डेट में यह एक सफल अभिनेत्री हैं। तो देख सकते हो यही वह घर है जिसमें बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जरीन खान जी रहती हैं। दोस्तों आप सभी को बता कि इनकी इस घर की कीमत ना लगभग 15 करोड़ रुपए है। देख सकते हो घर के आगे कितने ज्यादा ग्रीनरी है और घर के इनके नीचे बहुत सारी दुकानें हैं, मैं आप सभी को अच्छे से दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर आपको भी यहाँ पे आना रहेगा तो सबसे पहले आपको बांद्रा वेस्ट पाली हिल इलाके में एम्बेसडर रोड पे आना पड़ेगा। एम्बेसडर रोड पे ही इनका घर है, देख सकते हो अभी मैं इधर से आया हूँ लेफ्ट साइड से, यही है एम्बेसडर रोड जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, देख लो अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से। और इसी रोड के सामने है जरीन खान का घर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, जल्द मिलते हैं मुंबई के किसी नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको भी यहाँ पे आना रहेगा तो मुंबई के खार वेस्ट इलाके में आना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, जल्द मिलते हैं मुंबई के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।